कस्टमर्स के बीच में रेनॉल्ट क्विड बहुत ही पॉपुलर गाड़ी रही है। इंडियन मार्केट में इसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। दोस्तों हाल ही में रेनॉल्ट ने अपनी BS6 क्विड को इंडियन मार्केट में उतारा है। इसमें थोड़े विजुअल चेंजेस किए गए हैं। अगर आप इसके फ्रंट को देखेंगे तो इसके डिज़ाइन में थोड़ा चेंज किया गया है, तो कह सकते हैं कि फ्रंट को थोड़ा सा फेसलिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसके दो इंजन ऑप्शन आते हैं, जो कि पहला है 0.8 लीटर का इंजन और दूसरा आता है 1.0 लीटर का। 0.8 लीटर वाला यानी कि 799 सीसी का और 1.0 लीटर का यानी कि 999 मतलब 1000 सीसी का। तो दोस्तों वेरिएंट वाइज इसको कंपेयर करते हैं कि कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप रेनॉल्ट क्विड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो सभी वेरिएंट्स के एक शोरूम प्राइस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेस वेरियंट है उसका प्राइस है 3,02,000 रुपीज, जो कि STD नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका दूसरा वेरियंट जो है वो RXE है, जिसे 3,70,000 की प्राइस में बेचा जाता है। उसके बाद तीसरा है RXL, जो कि 4,02,000 का वेरिएंट है। ये सब एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊं तो प्लीज़ मुझे अपना शेयर कमेंट कीजिए, मैं वहां पे बता दूंगा आपको ऑन रोड प्राइस। तो दोस्तों इसके बाद आता है RXT वेरिएंट, जो कि 4,32,000 का आता है। उसके बाद RXT 1.0, जो कि 1000 सीसी वाला होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ इंजन का फ़र्क होता है, RXT और RXT 1.0 में सिर्फ इंजन का फ़र्क होता है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो RXT 1.0 जो है वो 4,52,000 रुपये का वेरिएंट आता है। रेनॉल्ट क्विड में दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 800 सीसी वाला और 1000 सीसी वाला। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो ये 800 सीसी वाला 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगभग 53 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ टॉर्क इसमें आपको 72 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। ARAE क्लेम माइलेज इसकी 25 KMPL की होती है। अगर दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये 1000 सीसी वाला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होता है, जो कि लगभग 67 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसमें 92 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है और इसी के साथ इसकी ARAE क्लेम माइलेज 23 KMPL की होती है। सभी क्विड वेरिएंट्स में एक ही तरह का टायर साइज मिल जाता है, जो कि है 14 इंचेस। फ्यूल टैंक इसमें 28 लीटर का मिल जाता है और सभी वेरिएंट्स में बूट स्पेस भी सेम ही मिल जाता है, 279 लीटर का। रेनॉल्ट क्विड के अगर पहले वेरिएंट की बात करें तो ये बेस वेरिएंट है, जो कि STD नाम से जाना जाता है और ये 3,02,000 रुपीज़ इसका एक्स शोरूम प्राइस है। इसमें कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं आइए देखते हैं। तो ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है, ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम और EBD भी मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और बेस वेरिएंट से ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस टैकोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। तो रेनॉल्ट क्विड का जो बेस मॉडल है उसमें आपको बेसिक से बेसिक फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर आपको नहीं मिलेगा, पावर स्टेयरिंग नहीं मिलेगा, पावर विंडो भी नहीं मिलेगा, व्हील कवर्स, बॉडी कलर, ORVM भी इसमें नहीं मिलता। तो इस वेरिएंट को हम आपको ज़रा भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप खरीदें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिले सबसे पहले। रेनॉल्ट क्विड का जो अगला वेरिएंट है वो है क्विड RXE। दोस्तों RXE वेरिएंट जो है इसका एक शोरूम प्राइस है 3,72,000। दोस्तों इसका प्राइस डिफरेंस अगर कंपेयर करें बेस मॉडल से तो ये 70,000 आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे इस मॉडल में। और इस 70,000 पे करने के बाद आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं ये देखते हैं। तो रूफ एंटीना, AC, फ्रंट स्पीकर, को ड्राइवर सनवाइजर जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये फीचर्स 70,000 के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वेरिएंट जो है इसे भी हम रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर तीसरे वेरिएंट की बात करें तो रेनॉल्ट क्विड का तीसरा वेरिएंट है RXL, जो कि 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आता है। दोस्तों ये वेरिएंट जो है इसका एक शोरूम प्राइस 4,02,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्राइस डिफरेंस अगर देखें तो RXE के मुकाबले आपको 30,000 इसमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और 30,000 ज़्यादा पे करने के बाद आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं देखते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग, फोल्डेबल की मिल जाएगी, म्यूजिक सिस्टम विथ AUX, USB, ब्लूटूथ, FM भी मिल जाता है, साथ ही साथ पावर स्टेयरिंग भी इसमें मिल जाता है। फ्रंट में पावर विंडोज मिल जाएंगे, पावर स्टेयरिंग,
मोबाइल चार्जिंग आउटलेट आपको मिल जाएगा, इसी के साथ टू टोन ORVM भी इसमें मिल जाता है। तो ये वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये वेरिएंट हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर आपका बजट 4,200 रुपीज़ पे करने का है एक शोरूम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बताऊँ तो प्लीज़ अपना शहर को कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बताऊँगा। अगर देखा जाए तो गुजरात में इसका ऑन रोड प्राइस है लगभग 4,70,000 RXL वेरिएंट का। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी फीचर्स हो सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ये वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। अगर रेनॉल्ट क्विड के आखिरी मॉडल यानी कि टॉप वेरिएंट की बात करें तो ये RXT होता है, जो कि दो इंजन ऑप्शन के साथ आता है, 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो आपको इन दोनों इंजन ऑप्शंस में इस वेरिएंट में आपको फीचर्स कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेंगे, फीचर्स सब में दोनों में सेम है। तो दोस्तों इसमें आपको 4,32,000 एक शोरूम प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि 0.8 लीटर RXT के लिए पे करना पड़ेगा। दोस्तों प्राइस डिफरेंस अगर इसका देखें तो RXL के मुकाबले आपको इसमें 12,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो 12,000 ज़्यादा पे करने के बाद आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा, 8-इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल जाता है, साथ ही साथ रियर पावर आउटलेट भी इसमें मिल जाता है। इसमें आपको USB चार्जर, नेविगेशन और स्टेयरिंग व्हील पे लेदर वर्क भी मिल जाता है। मतलब ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे 12,000 ज़्यादा पे करने के बाद, अगर RXL के हिसाब से देखें तो। तो दोस्तों यही फीचर आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन RXT में भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको पे करना पड़ेगा लगभग 4,52,000, यानी कि आपको इसमें थोड़ा पैसा और ज़्यादा पे करना पड़ेगा 22,000 जैसा, और उसमें आपको सिर्फ पावर और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको पावर और परफॉर्मेंस चाहिए तो आप RXT 1.0 पर जाइए, और अगर आपको 0.8 लीटर RXT अगर आपको फीचर्स के साथ चाहिए तो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं RXL और RXT, दो मॉडल्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि बेहतरीन वैल्यू बेस्ड वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।